हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई यानी फ्लिपकार्ट पर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट कैसे खरीदें, जैसे अगर आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ईएमआई पर खरीदना है और आपके पास सिर्फ जो है डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है, तो कैसे आप फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से ईएमआई पर कोई सामान खरीद सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। बिना कोई इंटरेस्ट का यहाँ पर आपसे जो है कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, अभी जो फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल भी चल रहा है, जहाँ पर सभी सामान पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, ऐसे में अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल फोन खरीदना चाह रहे हैं और आपके पास सिर्फ डेबिट कार्ड है, तो कैसे आप डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से ईएमआई पर कोई सामान खरीदेंगे, इस वीडियो में दिखाने वाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज सभी पर जो है डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना है, जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है एक मोबाइल फोन खरीदना है डेबिट कार्ड ईएमआई पर यानी एटीएम कार्ड से ईएमआई पर मोबाइल खरीदना है। अगर आप भी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कुछ भी खरीदना चाहते हैं ईएमआई पर, आपके पास सिर्फ डेबिट कार्ड है, तो कैसे आप यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड से ईएमआई पर कुछ परचेज करेंगे दिखाने वाले। जैसे यहाँ पर मुझे एक फोन खरीदना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं होम पेज में ही फोन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस सेल में दोस्तों देख सकते हैं आपको किस मोबाइल फोन पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, सभी पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा कंपनी का मोबाइल मिलेगा, सभी कंपनी का नाम शो करेगा। आपको जो भी मोबाइल फोन लेना है उस कंपनी के ऊपर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आप जो फोन को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको फोन लेना है या फिर अगर आपको लैपटॉप लेना है, जो भी आपको लेना है उसे आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी जो आप फोन का नाम सर्च करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फोन सिलेक्ट कर लिया, जैसे मुझे जो है इस फोन को खरीदना है, हमारे बजट के हिसाब से ये फोन सही आ रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फोन का प्राइस कितना है, जैसे यहाँ पर 29,999 रुपया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है 1500 का, लेकिन दोस्तों आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपको ईएमआई पर खरीदना है, इसके लिए क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो दो ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट है पे विथ ईएमआई और दूसरा है बाय नाउ का। तो आपको जो पे विथ ईएमआई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको दोस्तों क्लिक करना है बाय नाउ वाले ऑप्शन पे। चलिए हम बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे फ्लिपकार्ट में पहले से जो है कुछ क्रेडिट कार्ड एड है, जिसपे यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगर हम इसके थ्रू यहाँ पर फोन खरीदेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1499 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे इस फोन को खरीदना है ईएमआई पर, वह भी दोस्तों डेबिट कार्ड का ईएमआई पर यानी एटीएम कार्ड पर। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रोसेस करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना होगा कि जो आपके पास डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है वह जो है ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पर आपको एक मैसेज सेंड करना है। मैसेज में आपको क्या लिखना है, किस नंबर पर मैसेज करना है, साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा बैंक का किस नंबर पे आपको मैसेज करना है और क्या लिखकर मैसेज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, तो एचडीएफसी बैंक का जो डेबिट कार्ड का ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको नंबर पर मैसेज करना है। नंबर है 5676712 और दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज में लिखना है माई एचडीएफसी, उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर से आपको मैसेज सेंड कर देना है। जिसे आप सेंड करेंगे तो आपके पास कुछ देर के बाद मैसेज आ जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पर जो हमें डेबिट कार्ड ईएमआई का फैसिलिटी दिया गया है, इसमें जो है 96,400 का लिमिट दिया गया है, हम जो 96,400 तक का कोई भी सामान को ईएमआई पर खरीद सकते हैं एटीएम कार्ड ईएमआई से। तो आपको जो सेम तरीके से अपना बैंक का डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अब दोस्तों यहीं से आपको जो अच्छे से ध्यान से देखना है वीडियो को, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रेडिट ईएमआई कार्ड, और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अदर ऑप्शन, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अभी दो बैंक शो कर रहा है, पहला है एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई और दूसरा है दोस्तों देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक कार्डलेस ईएमआई। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है एटीएम कार्ड है, तो उसी से हम जो ईएमआई पर खरीदने वाले हैं।
तो सिंपल सा HDFC बैंक डेबिट कार्ड EMI वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास और भी बैंक का ऑप्शन आ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है HDFC बैंक डेबिट कार्ड EMI। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्लान चूज करने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट, 3 महीने के लिए इंस्टॉलमेंट अगर आप करते हैं, यानी 3 महीने के लिए अगर आप EMI पर फोन लेना चाहते हैं तो आपको 3 महीने तक हर महीने जो है 9,775 रुपया करके पेमेंट करना होगा। अगर आप 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4,985 रुपया आपको 6 महीने तक पेमेंट करना होगा हर महीने EMI। तो अगर आप 12 महीने के लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2,592 रुपया 12 महीने तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा EMI में। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16% का पर एनम इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसके लिए देख सकते हैं आपको जो बैंक ऑफर डिस्काउंट दिया जा रहा है 1,499 रुपया, जिससे यहाँ पर अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं इस फोन को EMI पर, यहाँ पर देख सकते हैं बैंक के द्वारा चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट यहाँ पर 2,536 रुपया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उसके जगह में 1,499 रुपया मुझे जो है बैंक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। और मुझे दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 12 महीने में वो दोस्तों 28,559 रुपया पेमेंट करना होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप वही 6 महीने के लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1,349 रुपया बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा आपको जो है बैंक डिस्काउंट ऑफर दे दिया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप 6 महीने के लेंगे तो दोस्तों आपको कितना अमाउंट पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हैं शो करेगा, जिससे दोस्तों जिस फोन को हम परचेज करना चाह रहे हैं अगर इस फोन को दोस्तों हम EMI पर लेंगे 6 महीने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4,985 रुपया करके 6 महीने मुझे पेमेंट करना होगा और टोटल दोस्तों जो अमाउंट होगा 28,559 रुपया होगा। तो आपको जितने महीने के लिए चाहिए दोस्तों आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, आपको चेक कर लेना है कि कितना आपको इंटरेस्ट लग रहा है, कितना डिस्काउंट वगैरह दिया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारे हिसाब से 6 महीने के लिए सही है, क्योंकि जितना यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उससे ज्यादा यहाँ पर हमें जो है डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो हमारा जो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पर 6 महीने को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद चूज प्लान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स आ जाएगा कि आपको 6 महीने तक कितना EMI पेमेंट करना पड़ेगा हर महीने। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं EMI स्टार्ट डेट कब होगा, यानी आपको किस डेट को जो है EMI पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर जो है फर्स्ट EMI बनेगा 5 नवंबर को, यहाँ पर डेट शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं वन टाइम एक प्रोसेसिंग फी लग रहा है जो कि है 199 रुपया, और दोस्तों ये जो 199 रुपया प्रोसेसिंग फी लग रहा है सिर्फ दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा उसी में जो है एड होके आएगा। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट से आपको जो है कोई भी प्रोसेसिंग फी वगैरह पेमेंट नहीं करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, देयर इज नो अमाउंट ब्लॉक्ड ऑन योर अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो आप यहाँ पर फोन खरीद रहे हैं डेबिट कार्ड EMI से या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आपके जो है बैंक अकाउंट से कोई भी पैसे कट नहीं किया जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 भी बैलेंस है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड EMI से फोन खरीद सकते हैं या फिर कुछ भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड नंबर यानी ATM कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर में जो 16 डिजिट का नंबर होता है उस नंबर को डालना है, एक्सपायरी मंथ ईयर डाल देना है, उसके बाद CVV कोड डाल देना है। जो डेबिट कार्ड के पीछे साइड में 3 डिजिट का कोड होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालेंगे OTP जाएगा, OTP डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑर्डर जो है हो जाएगा। फिर आपने जो ऑर्डर किया होगा वह सामान जो है आपके एड्रेस पर आ जाएगा जिसको आप रिसीव कर लेंगे। फिर दोस्तों आपका जो डेबिट कार्ड का EMI होगा उसे आपको पेमेंट कर देना है हर महीने, जब भी आपका EMI इंस्टॉलमेंट का डेट होगा दोस्तों आपके अकाउंट से जो है पैसे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो आपके अकाउंट में पैसे होना जरूरी है, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का EMI कटता है सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका जो है EMI कटता जाएगा। इस तरह से आप फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड EMI पर कोई सामान ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।